बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने मौजूदा शराब वितरण व्यवस्था को 8 महीने यानी 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 419 दंत चिकित्सकों की भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। वहीं नई आईटी पॉलिसी, स्थानांतरण समेत शराब की वितरण व्यवस्था पर भी फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने तबादलों की तारीख को बढ़ाकर अब 7 अगस्त तक करने का फैसला किया है। पहले ट्रांसफर की समय सीमा 1 से 31 जुलाई तक थी, जिसे कैबिनेट की बैठक में 1 सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वहीं कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 7 अगस्त को आयोजित अन्न उत्सव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। सीएम ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश की 25,435 राशन दुकानों में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में सांसद और विधायक अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। तारीख जो 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 7 अगस्त तक किया गया है। स्थानांतरण पर से जो प्रतिबंध हटा था वो अब 7 अगस्त तक के लिए 7 दिन का बढ़ाया गया है। आज कैबिनेट की बैठक में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जो 31 जुलाई 2021 तक लागू देशी मदरा की प्रदाय व्यवस्था थी उसको बढ़ाए जाने का भी तय किया है 3 माह के लिए। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के द्वारा दंत चिकित्सकों के पदों को भी आज स्वीकृति दी गई है। संयुक्त संचालक दंत स्वास्थ्य, उप संचालक दंत स्वास्थ्य के 1-1 पद, संभागीय कार्यालय स्तर पर उप संचालक दंत स्वास्थ्य के 7 पद, शहरी क्षेत्र में जिला चिकित्सालय में दंत विशेषज्ञ के 34 पद, दंत चिकित्सक के 46 पद, इस प्रकार कुल 89 पद निर्मित किए जाने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। ग्रामीण क्षेत्र में 330 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सकों के 330 पद निर्मित किए जाएंगे। इस प्रकार दोनों को हम जोड़ दें तो 419 पद किए जाएंगे, जो चरणबद्ध तरीके से 3 साल के अंदर इनको भरा जाएगा।